कौन जीतेगा ये मैच, इस्लामाबाद यूनाइटेड या फिर कराची किंग्स? कौन सी टीम आज मारेगी बाजी, आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी 16 में से 10 प्रेडिक्शन दो साबित हुई हैं। उम्मीद करते हैं ये प्रेडिक्शन भी बिल्कुल सही साबित होगी। लेकिन सबसे पहले दोनों टीमों के पॉइंट टेबल पर पोजीशन जान लेते हैं, फिर इसके बाद जानेंगे आज कौन बाजी मारेगा। अगर बात की जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो इस्लामाबाद ने अभी तक 6 मैच खेल रखे हैं जिनमें से 3 फतह नसीब हुई है। इस्लामाबाद ने भी 6 मैच खेले हैं, 3 जीते हैं, 3 हारे हैं, पॉइंट की तादाद 6 है। इस्लामाबाद की टीम दिन ब दिन गिरती हुई दिखाई दे रही है, इसकी परफॉर्मेंस दिन ब दिन नीचे आ रही है। उधर बात की जाए कराची किंग्स की, तो कराची किंग्स की टीम में जीत का जज्बा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। मिकी आर्थर जीतने की ख्वाहिश रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, बैटिंग ऑर्डर को चेंज कर रहे हैं, खिलाड़ियों को तब्दील कर रहे हैं। कराची किंग्स की टीम ने अभी तक 5 मैच खेले हैं, 2 जीते हैं, 3 में हार का मुंह देखना पड़ा है, उसके पॉइंट्स की तादाद 4 है। अब कराची किंग्स को प्लेऑफ में क्वालिफाई करने के लिए मजीद 5 में से 3 मैच जीतना दरकार है, जिसकी वजह से इनकी जगह प्लेऑफ के लिए पक्की हो सकती है। अगर 2 मैच जीते हैं तो फिर मामला रन रेट पर चला जाएगा। ये मैच कौन जीतेगा, कराची क्यों जीतेगा या फिर इस्लामाबाद बाजी मार जाएगा? ये मैच जीतेगा मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, मेरी फीलिंग के मुताबिक, जो मुझे फील हो रहा है, जो मैंने एनालिसिस किया है, मेरी प्रेडिक्शन के मुताबिक, मेरी फीलिंग के मुताबिक ये मैच जीतेगा कराची किंग्स। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का बड़ा शहर कराची किंग्स इस मैच को जीत जाएगा। कराची किंग चाहे पहले बैटिंग करे, चाहे पहले बॉलिंग करे, ये मैच कराची किंग्स का है। लेकिन अगर सेकंड बैटिंग करता है तो इसके चांसेस मजीद बढ़ जाएंगे। सब्सक्राइब कीजिए एसएम कासिम यूट्यूब चैनल को और बेल बटन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।